आज हम देखेंगे लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक। कक्षा 12वीं भौतिक विषय के प्रश्न बैंक के हल को आज हम देखेंगे। तो इसमें आज हम अध्याय 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इसके एक वाक्य के उत्तरों को देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम इसमें सही विकल्प और रिक्त स्थानों को देख चुके हैं। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे 12वीं प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। उस प्लेलिस्ट की लिंक से आप सारे वीडियो को वहां से देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसके पहले एक बार और बता दूं मैं आपको कि उस 12वीं प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें 2 अंक और 5 अंक वाले प्रश्नों के भी बहुत से अध्याय के वीडियो डाल चुके हैं हम। तो आप वहाँ से वो सारे वीडियो देख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। इसमें अध्याय 4 के आज हम एक वाक्य वाले उत्तर देखने वाले हैं। तो अध्याय 4 में सबसे पहले हमारे पास एक वाक्य का उत्तर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर गुणित मीटर। यह है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। अगला है हमारे पास, दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तब उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। तो इसमें हमें लिखना है आकर्षण बल। तो इसका आंसर आएगा आकर्षण बल। अगला है, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखिए। तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है बी बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई गुणित 2 पाई आई बटे आर, और इसमें इकाई भी लिख लेना टेस्ला। अब अगला है, 99 ओहम प्रतिरोध की कुंडली वाले धारा मापी में से मुख्य धारा का 10% प्रवाहित करना हो तो शंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा 11 ओहम। अगला है, धारावाही कुंडली धारावाही विद्युत पाश के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगला है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। तो इसका आंसर आपको यहां पे से देखना है, तो जो 6ठा प्रश्न हमें दिया है यहां, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, तो इसका आंसर ये यहाँ लिखा है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसके द्वारा किसी मिश्रण में उपस्थित पृथक रासायनिक जातियों को पहले आयनिक करके आवेश किया जाता है और फिर उनके द्रव्यमान और आवेश के अनुपात के आधार पर अलग अलग किया जाता है। ये 6ठे प्रश्न का आंसर है। और 7वां जो प्रश्न है, धारा मापी की कुंडली के बीच में नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर है, नर्म लोहे की चुंबकशीलता अधिक होती है तथा क्षेत्र त्रिज्यीय होने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से हमने आज ये एक वाक्य के उत्तरों को देखा है अध्याय 4 के। अगले वीडियो में हम आगे के आंसर देखेंगे।